है नशा, इसे मेंटल असाइलम जाना चाहिए। कोई शादी नहीं करेगा इस पागल से। बॉयफ्रेंड भी इसे छोड़ के चला गया। यहाँ पर भी अरे तुम कौन सा ओवर सी चली गई? सिटी से एक कार का ही तो डिस्टेंस है, थोड़ा ज्यादा चार्ज लगेगा बस। ओके ठीक है, थैंक्स। तुझे नंबर फॉरवर्ड कर रही हूँ। बाय, टेक केयर। प्लान करेंगे? हाँ, एक्सक्यूजेस नहीं है। हाँ यार, यहाँ पे भी तो थोड़ा देखना पड़ेगा ना। अरे यार, अभी वीडियो कॉल पॉसिबल नहीं है। क्या चल रहा है ये सब? तुम किससे फोन पे बात कर रहे हो? What do you mean? यार मैं अपनी कलीग से बात कर रहा था। तुम खुशी से बात कर रहे थे, मुझे मालूम है। No, मैं अपनी कलीग से ही बात कर रहा था। देखो मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पता है कि एक मिस्ट्रेस में और एक कलीग में क्या डिफरेंस होता है। और एक औरत की ना चार आंख होती है। तो मेरे को पागल मत बनाओ। जस्ट शट अप, ओके? साइकियाट्रिस्ट का काम करते करते तुम भी पागल हो गई हो क्या? और हाँ, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरे और खुशी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। गॉट इट? ओके फाइन, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला ना, मैं उस दिन तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। और ये बात तुम अच्छे से याद रखना तुम, कि तुम जो कुछ भी हो ना आज, मेरे डैड की बदौलत। तो मैं एक सिग्नेचर पे तुम्हें रोड पे ला सकती हूँ। माइंड इट? डॉक्टर दीप्ति? यार स्पीकिंग। डॉक्टर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए थी आपसे, साइकियाट्रिस्ट काउंसलिंग के लिए। ओके, योर गुड नेम निशा, राइट? निशा, आप अपना डिटेल्स एंड एड्रेस मुझे मैसेज कर दो एंड आई विल सी व्हेन आई कैन बुक अपॉइंटमेंट। दो दिन बाद चलेगा? यस डॉक्टर। ओके फाइन, ठीक है, सी यू देन, टेक केयर। तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, वैसे भी बहुत परेशान हूँ। प्लीज मेरा पीछा छोड़ो।
हाय दीप्ति, हाय दीप्ति साइकेट्रिस्ट, वी हैव एन अपॉइंटमेंट टुडे। हाँ हाँ बैठिए ना प्लीज। या प्लीज कम। चाय कॉफी? श्योर कॉफी। Nice paintings. Thanks. अच्छा तो निशा मुझे अपने बारे में बताओ। मेरा नाम निशा गुप्ता है। मुझे प्यार से मेरे पापा चिंकी बुलाते हैं। Sorry, बुलाते थे। It's okay. How can I call you? आप मुझे निशा बुलाइए। Why not चिंकी? क्योंकि उस नाम से ना बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मैं नहीं चाहती कोई और मुझे उस नाम से बुलाए। It's okay, Nisha. अच्छा, tell me about your daily routine. मैं बस किताबें पढ़ती हूँ, बहुत सारे मूवीज देखती हूँ और कुछ खास नहीं। एक्चुअली मुझे नींद नहीं आती है। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, मेडिसिन भी ली, मैंने क्या कुछ नहीं किया तो कुछ असर ही नहीं होता। It's okay, Nisha. It's very simple. तुम्हें नींद नहीं आती है क्योंकि तुम्हें इंसोमेनिया है। No doctor. एक और प्रॉब्लम है जो मैं बहुत परेशान करती है। जब मरे हुए लोग दिखाई देते हैं और मुझसे बातें करते हैं। और तुम्हें कौन लोग दिखते हैं? घंटों पर बातें की। और भी अजीब अजीब से लोग आते हैं। मेरा पीछा छोड़ दो, ऐसे भी मैं परेशान हूँ। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरे घर वालों को पता नहीं मेरे साथ में क्या हुआ है, उन्हें बताओ। निशा जस्ट रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं। ये एक इल्यूजन है, यू नो ह्यूमन माइंड टेंडेंसी। हम जो भी सुनते हैं, हम जो भी देखते हैं, हमारा माइंड उसे फिर से अलाइव कर देता है। और तुम्हारे को तुम्हारे पापा इसलिए दिखते हैं सबसे पहले ये सारे फ्रेम्स हटाओ। एंड सॉरी टू से, तुम्हें अपने पापा का फ्रेम भी हटाना पड़ेगा। स्टॉप रीडिंग सस्पिशियस बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, बाहर जाओ, दोस्त बनाओ, जस्ट लिव योर लाइफ हैप्पीली। ओके, मैं प्रिस्क्रिप्शन देती हूँ तुम्हें, तुम्हें बस टाइम टू टाइम वो लेना है, उसके बाद तुम एकदम ठीक हो जाओगी। इसे टाइम टू टाइम फॉलो करो और हम नेक्स्ट सेशन आफ्टर 5 days करते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर। या यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्माइल, ओके, ईट वेल, ईट हेल्दी, कैन हैव योर कॉफी ऑल्सो। यू ऑल्सो हैव? या श्योर।
कितने लापरवाह हो चुके हो। तुमने दरवाजा खुला रखा हुआ है, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ है। तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ? तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है क्या? अतुल, आई एम टॉकिंग टू यू, से समथिंग। और ये ड्रिंक करना कब से स्टार्ट कर दिया तुमने? जी बोलिए। डेड बॉडी मिल सकती है क्या इंस्पेक्टर साहब? और पीएम फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई? डेड बॉडी किसकी? तो क्या मैं अभी आ सकता हूँ लेने? ओके। अतुल, अतुल मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझसे बात करो। अरे मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ। दीप्ति का एक्सीडेंट? शी इज डेड? ओके। हम जो भी सुनते हैं, हम जो भी देखते हैं, हमारा माइंड उसे फिर से अलाइव कर देता है। डेड बॉडी मिल सकती है क्या इंस्पेक्टर साहब?